दोस्तों हमने कई बार एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा करते हुए देखा, स्मगलिंग करते हुए लोगों को देखा, लोग कोई सोने के सिक्के, कोई फोन, पैसा या फिर जीव जंतुओं को स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अजीबोगरीब स्मगलिंग के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर शायद आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे कि लोग क्या क्या कर देते थे वहां से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने पर। एयरपोर्ट पर कई बार चेक होने पर ये चीजें सामने आती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने बच्चे को जो बिस्तर या फिर गद्दे होते हैं उनके अंदर डालकर पैक कर लिया। वो इसलिए कर लिया क्योंकि उस बच्चे को वहाँ का वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने उसको उसमें पैक करके सोचा। लेकिन जब वहाँ के सिक्योरिटी थे उन्हें पता चला, तो उन्होंने उसका चेक किया और पता लगाया, तो बाद में उन्होंने उसे पता कर लिया कि ये बच्चा किस लिए ले जाया जा रहा था। बाद में पता चला उसका वीज़ा नहीं बना था इसीलिए, लेकिन हाँ उन्हें पकड़ भी लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें वीज़ा भी दे दिया गया। सच में गजब दिमाग लगाया ना इन्होंने, अंदर ही डाल के ले चलो। और ऐसे कुछ अजीबोगरीब चीज़ें कई बार देखने को मिलती है एयरपोर्ट पे जब वहाँ जांच की जाती है, शायद आपके दिमाग को हिला के रख देगी। ऐसा ही हुआ जब एक बार मेलबोर्न एयरपोर्ट पे जब महिलाओं को जब चेक किया गया, पता चला कि आखिरकार में उनके पास है क्या। ऐसा एक लेडीज़ महिला ने किया जो शायद आपका दिमाग को हिला के रख देगी। उसने कुछ ऐसे अजीबोगरीब जगह पे अपने कुछ वस्तुओं को छुपा लिया, जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ। जब उसकी जाँच की गई, सिक्योरिटी को शक हुआ कि आखिरकार ऐसे क्यों चल रही है और इसका रीज़न क्या हो सकता है। जब सिक्योरिटी ने जाँच किया तब पता चला कि उसने एक अंदर पूरे शरीर में एक पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर पहन रखा है, जिसके अंदर अलग अलग जेब्स या फिर हम कह सकते हैं पॉकेट्स बने हुए हैं, जिसमें उन्होंने मछलियों को रख रखा है। और वहाँ की जो मछलियाँ उन्हें अगर कहीं दूसरे देश में ले जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी दामों पर बेची जाती हैं, और इसकी वो स्मगलिंग कर रही थी। लेकिन क्या था, पकड़ लिया और उसे फिर सजा दे दी गई। सच में दोस्तों, उसके बाद दूसरी चीज़ की बात करते हैं। ऐसा कुछ एयरपोर्ट पे देखने बार मिला एक व्यक्ति का, जिसका दिमाग आपको पूरा हिला के रख देगा। उस व्यक्ति के जो बाल थे कुछ ऊंचे ऊंचे लोगों को लग रहे थे। अब लोगों ने सोचा कि ऐसे बाल क्यों, और जब सिक्योरिटी को शक हुआ तो उन्होंने सोचा जाँच की जाए। जब जाँच की तो पता चला उन्होंने कोकीन यानी कि जो स्मगलिंग करने के लिए कर रखा है, कोकीन को वहाँ पर अपने बालों में दबा के ऊपर एक नया कैप लगा लिया। यानी उसकी जो कीमत बात करें 25 लाख रुपए थी जो स्मगलिंग करना चाहता था। सच में, लेकिन क्या था, पकड़ लिया गया उसे, पकड़ के डाल दिया जेल में। सच में ऐसा ऐसा करते हैं लोग, दिमाग हिला गया। तीसरा, अब आपको बताते हैं, जो आपने कई बार सुना होगा 2015 में जब आईफोन आए थे, लोग काफ़ी स्मगलिंग करते थे क्योंकि आईफोन का ट्रेंड था, लोग उन्हें बेचना चाहते थे, तो लोग एक जगह से लाते दूसरी जगह बेचते। तो ऐसा ही कुछ हुआ हांगकॉन्ग के एक एयरपोर्ट पर। एक व्यक्ति ने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी बॉडी पे कम से कम 94 आईफोन्स को रख लिया, वो भी चिपका के पूरे अच्छी तरीके से। जब वो चल रहा था उसे आसानी से चला भी नहीं जा रहा था, इतना मुश्किल तरीके से चल रहा था। लेकिन जब वहाँ पे उसे जांच किया गया तब पता चला उसके बॉडी पर इतने सारे 94 आईफोन्स हैं, और उसे पकड़ लिया गया और उसे फिर सजा हुई। वो अलग, बस वो उसे बेचना चाहता था इसलिए उसने सारे आईफोन्स को चिपका लिया। अब चौथे हम बात करते हैं एक महिला जिसको एयरपोर्ट पे देखा गया कुछ अजीबोगरीब चीज़ें करते हुए। जी हाँ, उसका जो पेट था वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था, और वहाँ के जो लोग थे या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको शक होने लगा इस महिला का पेट आखिरकार इतना बाहर आया हुआ कैसे। तो सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब बात पता चली उन्हें और उन्हें शक होने लगा, तो उन्होंने इस चीज़ को चेक करने का सोचा। और जब चेक किया ना वहाँ की महिला सिक्योरिटी गार्ड ने, तब पता चला कि वो उसके अंदर कोकीन को छुपा के ले जा रही थी, यानी स्मगलिंग कर रही थी। और वो भी 2 किलो का कोकीन था वहाँ पे, और उस महिला को बाद में पकड़ लिया गया और साथ ही साथ में उसे जेल में भेज दिया गया। सच में महिलाएं भी ऐसा कर जाती है, और वो यही व्यापार काफ़ी टाइम से कर रही थी, लेकिन वो होता है कभी ना कभी पकड़े जाते हैं। पाँचवा, आप जानकर सुन जाएंगे, वियतनाम से रूसिया आ रहा है वो व्यक्ति था, ठीक है। अब उस चीज़ की जानोगे ना तो आप खुद कहोगे भाई साहब ऐसा भी करते हैं लोग। उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं बंदर के, उनको किसी बॉक्सेस में छुपा के एक तरफ से दूसरी तरफ व्यापार करा था, वो भी 5 मंकी और 5 लेमर्स। सोचो कैसा गजब दिमाग लगा रहा है ना वो। लेकिन क्या था, पकड़ लिया गया उसे, और साथ ही साथ जानवरों को वो स्मगलिंग कर रहा था, उस केस में उसे अलग सजा मिली। सच में लोग क्या क्या करते हैं, मतलब व्यापार करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों आज आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी कमाल इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस हम लाते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना कैसी वीडियो आपको चाहिए। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी को दबा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन।